हेलो गाइस, आप लोगों ने आज तक पानी में रहने वाली साधारण मछलियां देखी होंगी, लेकिन क्या आप लोगों ने एक ऐसी मछली देखी है जो 900 वोल्ट तक का करंट मारती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही मछली के बारे में बताएंगे जो हमारे घरों में आने वाली बिजली से भी ज्यादा करंट पैदा करती है और बड़े बड़े मगरमच्छों को या जानवरों को 2 सेकंड में पैरालाइज कर देती है। जो भी इस मछली के शरीर को छूता है तो ये मछली इतना तेज करंट मारती है कि उस जानवर का बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे कि ये मछली करंट कैसे बनाती है और बिजली कहां से लाती है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको दबाकर इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। करंट मारने वाली मछलियों की इस प्रजाति का नाम है इलेक्ट्रिकल ईल। ईल नाम की ये मछली अपने शरीर से करंट छोड़ती रहती है और ये मछली 600 से लेकर 900 वोल्ट तक का करंट भी मार सकती है। हमारे घरों में आने वाली बिजली की सप्लाई 240 वोल्ट की होती है और ये मछली 900 वोल्टेज तक का करंट छोड़ सकती है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि इतने पावरफुल झटके वाला करंट ये मछली लाती कहाँ से है? तो दोस्तों, प्रकृति जिस जीव में कोई ना कोई कमी देती है उसे साथ में विशेष प्रकार की शक्ति भी देती है। इस ईल मछली की आंखें बहुत कमजोर होती है जिनसे ये पानी के अंदर जीवों को देख नहीं पाती, इसलिए इस मछली के शरीर में प्रकृति ने 6000 कोशिकाएं दी है और इसकी हर कोशिका पर 0.09 से लेकर 0.15 वोल्ट तक का करंट मौजूद होता है। ये मछली अपने आसपास करंट छोड़कर रखती है और कोई भी छोटा मोटा जीव इसके आसपास आता है तो ये उसका करंट के जरिए शिकार करती है। जो जीव इसके आसपास आता है वो इसके करंट की वजह से पैरालाइज होकर मर जाता है और ये उस मरे हुए जीव को खा जाती है। ये मछली अपनी त्वचा से बहुत तेज करंट छोड़ सकती है। इस मछली के शरीर में 3 मेन हिस्से होते हैं। मछली के इन हिस्सों में हजारों छोटी छोटी कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इस मछली की हर कोशिका एक छोटी बैटरी की तरह काम करती है। इसकी हर कोशिका में बैटरी की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और इस मछली की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से ये करंट पैदा करने वाली एक बड़ी बैटरी के रूप में काम करती है। जैसे ही कोई जानवर इस मछली पर हमला करता है तो ये मछली अपनी सभी कोशिकाओं को जोड़ देती है और करंट छोड़ने का आदेश देती है। फिर ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पावरफुल करंट छोड़ती है, जिसकी वजह से हमला करने वाला जानवर सेकंडों में चित हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मछली अपने शरीर में बनने वाले करंट की वजह से अपनी जान बचा भी सकती है और दूसरे जानवरों की जान ले भी सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।